वज़ीर आज़म हाउस और गवर्नर हाउसेस के बाद अब सरकारी रेस्ट हाउसेस की बारी। पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत सुबह भर के तमाम सरकारी रेस्ट हाउसेस के कमर्शियल इस्तेमाल का फैसला। लाहौर की 2 लाख केनाल अराजी पर माफिया काबिज, बगैर किसी दबाव के तमाम अराजी को वागजार करवाया जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। हाई कोर्ट के शहर में तजावुजात के खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन करने के अहकाम। तजावुजात के खिलाफ कल से ग्रैंड ऑपरेशन, बल्दिया उस्मान ने कमर कस ली। 9 जोन में ऑपरेशन के लिए 2 टीमें तैयार। पहले रोज शालामार जोन, करीम ब्लॉक और मून मार्केट में ऑपरेशन होगा। पहली मरतबा 1 जोन के इंतजामिया दूसरे जोन में जाकर ऑपरेशन करेगी। लॉर्ड मेयर और डिप्टी कमिश्नर निगरानी करेंगे। डिग्रियां दो। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के तलबा का कैंपस पुल पर 3 घंटे से धरना। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस के मुजाहरीन से मुजाकरात। फीसें देने के बावजूद डिग्रियां नहीं मिल रही, मुस्तकबिल दांव पर लग गया। नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, तलबा का पारा हाई। तलबा के एहतजाज के बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। चुना अस्पताल अंडरपास से मुस्लिम टाउन मोड़ तक गाड़ियों की लंबी कतारें। दफातर और स्कूल जाने वाले खार रास्ते बंद होने पर शहरियों का मीटर घूमा दिखाई दिया। मुजाहरीन से तख कलामी। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दूसरे रोज भी धड़ाधड़ मोटरसाइकिल सवारों के चालान। शहरियों में हेलमेट के इस्तेमाल के रुझान में इजाफा होने लगा। एसपी सदर रीगल चौक पर मुहिम की निगरानी में मसरूफ। शहर में ट्रैफिक निजाम की बदहाली की बड़ी वजह सामने आ गई। लाखों रोड यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 3,200 ट्रैफिक वार्डन्स दस्तयाब। ट्रैफिक वार्डन्स 2 शिफ्टों में काम करने लगे। 4,800 व्हीकल्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 1 वार्डन मौजूद। सरकारी दस्तावेजात में अहम इंकशाफात। हेलमेट पहनने पर पाबंदी अचानक नहीं लगी, 1.5 माह से मुहिम चला रहे हैं। 2,000 से ज्यादा हेलमेट भी तकसीम किए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम के जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस नहीं, सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक के। लाहौर न्यूज के प्रोग्राम जागो लाहौर में गुफ्तगु। शहरियों को हेलमेट लाजमी पहनने की हिदायत। ताजर बरादरी के सबसे बड़े इलेक्शन लाहौर चैम्बर के एसोसिएट क्लास के लिए पोलिंग का अमल जारी। 8 नशस्तों पर पियाफ फाउंडर्स अलायंस और बिजनेसमैन फ्रंट के दरमियान मुकाबला। 9,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। प्याफ फाउंडर्स अलायंस का 15 साल रवायत बरकरार रखने का आज़म। कल भी जीत हमारी थी, आज भी जीत हमारी होगी। उम्मीदवार प्याफ फाउंडर्स अलायंस इरफान इकबाल शेख, नसीम फनी और हारिस अतीक कामयाबी के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला के इख्तियारात अब मेयर के पास होंगे। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब डायरेक्ट और जमाती बुनियादों पर होगा। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत अजलास। नए बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत मुकम्मल। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम शहरी और तही तकसीम पर मुश्तमिल होगा। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। ऊंची दुकान फीका पकवान। फैसल टाउन में यासिर बरोस्त नाके सफाई पर सील। कोट लखपत में फूड अथॉरिटी का छापा। डॉन ब्रेड और सनी ब्रेड को 2-2 लाख रुपए जुर्माना। 3 दिन के लिए वार्निंग नोटिस। प्रोडक्शन एरिया में नाकिस सफाई और टूटे फूटे फ्रीजर पाए गए। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज अहमद का डीजी नार्कोटेक्स के दफ्तर का अचानक दौरा। डीजी नार्कोटेक्स जाहिद हुसैन राजा ने सूबाई वजीर को महकमाना अमूर पर ब्रीफ किया। और हेरोइन स्मगलिंग केस मॉडल ट्रेसा खुशगवार मूड में सेशन कोर्ट में पेश। जज के रुख्सत होने पर समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मरकजी गवाह को तलब कर लिया।